के वीके शर्मा साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। शर्मा साहब स्वागत है आपका, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। पहली चीज तो ये बताइए कि सर ये बड़े दिनों बाद धंधांग की अच्छी तेजी हुई है और वो भी इस दम पर कि कोरोना का थोड़ा सा कहर धीमा पड़ सकता है, ऐसे अंदाजे अमेरिका में लगाए जा रहे हैं, कितना भरोसा किया जाए सर इस पर? ये तो इनिशियल उनका व्यू है और ये एक बार कम होने के बाद वापस लगातार बढ़ता है, तो ये पक्के तौर पे तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वहां पे कमजोरी हट गई है। ये एक जो टेम्परेरी फेस है और दूसरे सिटीज हैं जहां पे ये और नंबर बढ़ेगा, पर न्यूयॉर्क पे जरूर कम हो सकता है। रहेगी बात ये कि ये जो एक्सपोजर्स हैं बहुत ज्यादा हैं और अमरीका के मुकाबले हमारे की स्थिति बहुत ही अच्छी है और अगर ये जो जमात है उसके नंबर्स को खैर निकाल तो सकते ही नहीं, वो तो भारत का एक पार्ट है अनफॉर्चुनेटली, और जो भी रीजन है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्थिति थोड़ी बदतर हुई है, लेकिन ये दुनिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अभी भी हम स्टेज थ्री में नहीं है, तो हमारे यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 7500 का जो लेवल है और जो हमने लोज देख रहा था वो एक सपोर्ट है जो टूटना बहुत ही मुश्किल है। आगे आगे चल के तकनीकी तौर पर भी 8600 के ऊपर जब तक पार नहीं होता मार्केट तब तक नई खरीदारी मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है, लेकिन एक स्टॉक जरूर है जो मैं आपको 10 की कमाई में बताऊंगा, वो उस वक्त जिक्र करूंगा। क्या बात है, तो चलिए थोड़ा इंतजार करूंगा मैं, थोड़ा वापस ग्लोबल मार्केट्स के साथ ही इंडियन मार्केट्स पर भी आऊंगा आपसे राय लूं, उससे पहले दो बिगुल हमारे लिए आंकड़े तो आ रहे हैं तो करना क्या ये बताइए सर। जी हमारे यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं उसके अंदर देखने वाली बात यह है कि तबलीगी जमात से जो संबंधित जितने भी लोग थे उनमें से 90% लोग ट्रेस आउट हो गए हैं, तो अब जो एक अनजाना जो एक लेवल था जो पता नहीं किस राक्षस का रूप ले सकता था वो अब नहीं लेगा, तो अब मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि ये हर तरह से ये मामला कंट्रोल में है और ये नंबर्स आप आने वाले दिनों के अंदर घटते हुए देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तबलीगी जमात के पहले जो नंबर्स आए थे वो काफी अच्छे थे, गिरने लग गए थे, तो वो वही समा थोड़े दिन बाद आप वापिस देख पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो लिहाज उस लिहाज से जो 7511 का जो लेवल बना था, उस दिन हम लोग बात भी कर रहे थे अनिल जी, बड़ा तगड़ी बहस हुई थी उस दिन कि वो एक लेवल था, अब वो दोबारा टूट पाना मुश्किल है, और अभी यहाँ पे आप अमेरिका के नंबर्स तो धीरे धीरे सुधरेंगे, समय लगेगा उसके अंदर, लेकिन हमारा बाजार उनसे पहले सुधर जाएगा, क्योंकि नंबर जो हमारे यहाँ पे जो भी कदम उठाने को हैं वो सरकार उठा रही है अच्छी तरह से, और खासकर ये देखते हुए कि जो पावर जो जब दिए जलाने की बात की थी तो जितना पावर कंजम्पशन कम होने की बात थी उससे ज्यादा कम हुआ, उसके बावजूद हमारे यहाँ पे पावर जो सेक्टर स्टेबल रहा, तो ये मैं मान रहा हूं कि ज्यादा लोग मान रहे हैं एक अच्छी बात जो सरकार कह रही है उसके ऊपर, तो जब ज्यादा लोग मानते हैं तो ऑब्वियसली डिस्टेंसिंग का फायदा होगा और हम इस रूप के इस महामारी से अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में और जल्दी उभर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है, तो मेरे ख्याल से ये समय लेने का है न कि बेचने का। ओके, खरीदारी का वक्त है बेचने का नहीं, और खरीदारी के वक्त में थोड़ी देर में आपके लिए सुमित जी की तरफ से भी बीटीएसटी कॉल्स आने वाले हैं, सैटेलाइट की भी तैयारी है, लेकिन इस बीच इंडसइंड बैंक 20% ऊपर अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 10% के सर्किट लगने की सूची में एक और शेयर शामिल होता हुआ जेएसपीएल जिंदाल स्टील एंड पावर 120 और 124 टारगेट के लिए, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त चंबल फर्टिलाइजर में पुट के जरिए। ओके शर्मा साहब, जब भी रिकवरी कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई अब ठीक लग रहा है मामला, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और वैसे भी आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खरीदना तो चाहिए, तो ये खरीदारी कहां करनी है ये बताइए। स्टॉक्स तो मैं 10 की कमाई में आपसे अलग से लूंगा, लेकिन इन जनरल कहां खरीदारी करनी चाहिए वो बताइए। जी मेरे ख्याल से जो एफएमसीजी सेक्टर है और फार्मा सेक्टर है वहां पे जिस प्रकार से और गिरावट आने की आशंकाएं नहीं है तो उनके अंदर चालू रहना चाहिए, और जो पिटे हुए सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के वो सेक्टर जो जिनके ऊपर ईएमआई का उतना फर्क नहीं पड़ता है जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो वो उनकी जो परफॉर्मेंस है बाकी अन्य फाइनेंस कंपनीज के मुकाबले, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के मुकाबले बेहतर रहेगी, तो उनके अंदर आप ले सकते हैं। और अंत में जब ये एयरलाइंस का जब ये वापस शुरू हो जाए काम तो उस वक्त एयरलाइंस को भी देखना चाहिए, अभी नहीं जब इनका नई फ्लाइट जब शुरू हो इनको अलाउड हो उसके बाद इनको देखना चाहिए, वहां पे भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बिकॉज रॉ मटेरियल के प्राइसेस के अंदर काफी कमी हुई है
मतलब उनका तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल ही 38% का उनका कॉस्ट आता है, और वैसे जो इंटरेस्ट का जो इनको पोर्शन जुड़ेगा, रिजल्ट तो खराब आएंगे, लेकिन वहां से फिर स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज उससे बदतर तो स्थिति होने वाली नहीं है, तो उस वक्त देखें। एक्शन जरूर बाजार में बनता हुआ दिख रहा है, और फार्मा स्टॉक्स सबसे आगे हैं। डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छा मूव आ रहा है, सन फार्मा एक अच्छे टेक्निकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और बंसल जी आज सुबह जो आपने पिक ऑफ द डे बिल्कुल शर्मा साहब के लिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, बताइए 10 की कमाई में क्या खरीदेंगे? जी अनिल जी, वही जो डिपेंडेबल स्टॉक है जो इस वक्त लेना चाहिए, और वो पहले ही बता चुके हैं, वो है एसबीआई लाइफ। ओके, एसबीआई लाइफ, एसबीआई लाइफ जो नहीं या क्यों लेनी चाहिए? अभी जो भी भाव इसका 667 के आसपास जो भी है, मुझे तो इस वक्त दिख नहीं रहा है, तो वो एक पहली बात ये देखें, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसका है, और ऊपर से इसकी जो परसिस्टेंसी रेशियो है वो सबसे बेहतर है सोने में सुहागा। अच्छी बात और कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके पीछे है, 24,000 ब्रांचेज हैं, किसी अन्य बैंकों के मुकाबले कई गुना ज्यादा हैं, तो अथाह इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। ऊपर सर स्टेट बैंक इन्होंने एसबीआई लाइफ ने करार किया है आपके इलाहाबाद बैंक के साथ, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ, उन बैंकों के साथ, और मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि ये जो नया चैनल उन्होंने खोला है एसबीआई खुद के अलावा, यहां से करीब न्यू बिजनेस का 10% हिस्सा 2022 तक आ सकेगा। अच्छी बात क्या है एक बियर मार्केट के अंदर कि जो स्टॉक अगर आपका समझ लो मार्केट गिरा है 40%, तो वो 65% बढ़ सकता है जब वही लेवल ऊपर आते हैं। तो मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि आपको 900 रुपए का भाव तुरंत देखने को मिलेगा, पर यहां से आप आराम से 25 से 50% की वृद्धि अपने स्टॉक के अंदर आने वाले एक साल के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो तबका है इंश्योरेंस का, हमारे यहाँ पे वैसे भी पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, 3% का पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस का, जो किसी भी एफआई के लिए ये कि अच्छा स्टॉक रहेगा लेने के लिए। ओके, तो एसबीआई लाइफ इस पर नजर डालनी है और अच्छा गेन्स दे सकता है, तो फंडामेंटल बेसिस पर आप एसबीआई लाइफ पर खरीदारी करते हैं। अब बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं सुमित जी की 10 की कमाई क्या है। बताइए सुमित जी। देवांशु, लास्ट वीक 10 की कमाई में हमने सनफार्मा दिया था और सनफार्मा वहां से बन भी थी। माजी, फार्मा स्टॉक्स जो एक अच्छा उछाल आया, एक अच्छा रीबाउंड आया, इस पर भरोसा करना चाहिए, आगे जाकर भी अच्छी गेन्स दे सकते हैं जहां तक फार्मा का सवाल है? देखिए, थोड़ा सा इनके जो एनवायरमेंट एक्सटर्नल वो थोड़ा चेंज हुआ है, जहां पे कुछ कंपनियों के नसीब इस तरह से बदले हैं कि जो दवाइयां अमरीका को चाहिए वो मंगाएंगे, तो उनके लिए नए रास्ते खुले हैं, और वहां पे जो यूएसएफडीए का जो नजरिया है थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, तो ये सेक्टर के लिए जो स्थिति है बेहतर हुई है, और इनकी जो डिमांड है वो जो भी थे वो बनी रहेगी, और इनफैक्ट आगे चल के बढ़ेगी भी, तो इसके अंदर अभी भी तेजी रखी जा सकती है। ऑब्वियसली जो जिन्होंने पोजिशन ज्यादा ली है वो अपना आपके जो बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं उनके तहत आप रेजिंग स्टॉपलॉस रखते रहिए और उसके साथ आप उनको ट्रेड करते रहिए, लेकिन निवेश के लिए अभी भी इनको बेचने का समय नहीं है। बेचने का समय नहीं है और आपको अच्छी गेन्स दिखेंगी कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में। आज तो खैर पूरा सेक्टर ही ऊपर है। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय शेयर करने के लिए, और साथ ही जो शर्मा जी की पिक रही है इंश्योरेंस स्पेस से एसबीआई लाइफ, इस पर भी नजर डालिएगा, एक साल के लिए अच्छे आपको टारगेट्स आ सकते हैं। पर एमएनएम फाइनेंस, थोड़ी देर पहले शॉर्ट कॉल्स आई थी इस पर काफी सारी, देखिए अब दिन के निचले स्तर पर है, 8.5% की गिरावट। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी अब प्रेशर में आ रहे हैं, बाकी एनबीएफसीज भी आपको प्रेशर में आते दिखेंगे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, चोला